नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास सबलेखागार राज्य मंत्री कमलेश डाड़ा ने आज कलायत इलाके के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जनता की शिकायतें सुनी तथा जनसभाओं को संबोधित किया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डाड़ा ने कलायत इलाके के गांव नरड, काकोत, सिसमोर तथा सिसला गांवों का दौरा किया। राज्य मंत्री द्वारा इन कार्यक्रमों के दौरान मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जनता की शिकायत के निपटारे के निर्देश भी दिए गए और उन्होंने कहा कि कलायत विधानसभा इलाका पिछड़ा हुआ है और इस इलाके की अनदेखी हुई है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व विपक्ष के नेता करते आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कलायत इलाके की जनता मेरा परिवार है और अपने इलाके के विकास के लिए वह दिन रात एक कर देंगी। राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे उनके इलाके के लोगों की कठिनाइयों को पूरी लगन से सुने और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करें। और उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में महिलाओं की अहम भूमिका है, इसलिए हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए अच्छे कदम उठाए जाएंगे। और इस अवसर पर राज्य मंत्री कमलेश राणा के पुत्र तुषार राणा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका धन्यवाद किया और उनके पिता स्वर्गीय नर सिंह राणा को, जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, के सपनों को उनकी माता पूरा करेंगी। और उन्होंने कहा कि उनके पिता दो बार विधायक रहे हैं और इस इलाके की जनता की पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से सेवा करते रहे हैं। और इस अवसर पर ग्रामीणों ने राज्य मंत्री कमलेश डांडा का भव्य स्वागत किया। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल से खास खबर। उनके साथ समस्त भारतीय जनता पर साथियों, मेरी माता और बहनों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि मैडम कमलेश डांडा के मन तक भी डिमांड ना माननी, ना कभी हमारी पर्ची पकड़ी। उनका जो कहना था, उन्होंने दो तीन बार पूरी पंचायत की बेइज्जती की। उसने यह किया कि मैं वोटों की राजनीति करता हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि मैं नाम देता हूँ। उस आदमी की यह वर्डिंग थी मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ राज्यपाल की डिमांड यह ग्राम पंचायत करती है, महिलाओं के यहाँ 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उनकी मीटिंग के लिए या किसी के अलग स्थान की कोई जगह नहीं है। उसको देखते हुए गांव के अंदर एक महिला, इसमें 2 सरकारी बने हुए हैं, 3 किराए की बिल्डिंग में चलते हैं, 3 आंगनबाड़ी सेंटर बनाने का भी कष्ट आप करें। गाँव के अंदर एक सामुदायिक केंद्र जो अधूरा पड़ा है, उसकी 4 दीवारी वगैरह सब हो गई थी। पैसा आया था मैडम आपसे, गुजारिश है कि उसको भी पूरा किया जाए। सीएम को अनाउंसमेंट के तहत पशु अस्पताल और व्यायाम शाला यहाँ मंजूर की गई थी, वो किसी कारण या जमीन के कारण या कब्जों के कारण वो नहीं चल पाई। कृपा करके उनको भी पूरा करवाया जाए। देखिए, बिल्कुल मेरा हल्का कलायत पिछड़ा हुआ हल्का है, काफी सालों से विपक्ष के विधायक रहे हैं, इनकी अनदेखी हुई है। तो मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, मेरा हल्का कलायत मेरा परिवार है। जो इनकी दिक्कत होगी, जो परेशानी है, वो मेरी दिक्कत है, मेरी परेशानी है। तो मैं अधिकारियों से यही कहूँगी भी बड़ी ईमानदारी से और लगन के साथ जो भी कार्य आपके पास आए उसको करने का काम करें। देखिए, मेरे पास महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट है, तो महिलाएं और बच्चे हमारा देश और प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हमारी महिलाएँ हैं, उनको मजबूत करने के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हमारे बच्चे जो हमारा देश का भविष्य है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा है, चाहे नौकरी है, चाहे खेल है, जो भी क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने इस बात, देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ईमानदारी है। मेरे स्वर्गीय पति चौधरी नरसिंह डांडा जी ने भी 2 बार MLA रहे, कैबिनेट के मंत्री रहे, उन्होंने ईमानदारी से काम किया और मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चलकर ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ और ईमानदारी से ही काम करूँगी। तो इसलिए मैं अधिकारियों को भी कहूँगी कि आप ईमानदारी से और मजबूती से काम करने का काम करें। सरकार ने, मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ जो हमारे हल्का कलायत ने चुनी हूँ, तो उन्हीं की सभी बदौलत है और अधिकारी सरकार के हैं। तो मैं इनसे भी यही कहूँगी भी आप भी सभी ईमानदारी और मजबूती से लोगों का जो काम है उसको काम करने का काम करें। देखिए, पीछे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब हमारा पार्टी का विधायक नहीं था, उस टाइम भी बहुत सारी योजनाएं जो घोषणाएं कर गए हैं, उन पर काम चल रहा है, आपने भी पता है, और आगे भी मुझे उम्मीद है। जैसे मेरे को पर विश्वास जताया है हल्का कलायत ने, तो मैं गांव-गांव जाकर जो मांगे हैं, जो डिमांडे हैं, सारा उनको लेने का काम करूँगी और मुख्यमंत्री जी के पास उनको भेजने का काम करूँगी। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करने का काम करेंगे। और लेकर आपके बीच में आई हूँ, जो हमारा विधानसभा का चुनाव था, आपने
गांव नड़ ने एक मजबूती के साथ इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर इसको जीतने का काम करा और विधानसभा में कलायत हल्के का नाम दर्ज कराने का काम किया, तो मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ, आपका आभार प्रकट करती हूँ। और मैं आपसे जिस दिन मैं पहली बार मुख्यमंत्री जी को मिली तो उन्होंने उनसे कहा, मैंने कहा सीएम साहब आपने जैसे पारदर्शिता से युवाओं को नौकरी देने का काम किया, डी ग्रुप की भर्ती देने का काम किया, ऐसे ही हमारी कलायत हल्का को टिकट देने का काम किया, इससे हमारा कलायत हल्का आपका आभार प्रकट करता है और मेरे कलायत हल्के में एक खुशी की लहर है। तो सीएम साहब इस बात पर बड़े हंसे, तो मैं दोबारा से आप सभी नड़ गांव मेरा एक बहुत ही प्रिय गांव में से मेरा गांव है और मेरे स्वर्गीय पति चौधरी नरसिंह राणा जी का भी ये गांव बड़ा प्रिय रहा है और इस गांव से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही अच्छी जीत हुई है। तो मैं दोबारा से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी पर मेरे ऊपर विश्वास जताया और आपने विधानसभा में पहुँचाने का काम किया, ऐसे ही मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपका हर एक सुख दुख मेरा होगा, आप मेरा परिवार हो, आप मेरा घर हो, मेरी जिम्मेवारी आप सबसे ज्यादा आपसे ज्यादा मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं आपके बीच में इसी को लेकर आपके बीच में आई थी, आप सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग यहाँ हैं, मेरी माता और बहने हैं, आप सभी मंत्री बने हो, तो मैं आप दोबारा से यही कहूंगी आप सभी अपना समझकर किसी भी टाइम मुझे याद करोगे तो मैं आपके बीच में मिलूंगी। मैं पहले भी चुनाव के टाइम में भी आपके बीच में वादा कर गई थी, मैं एक सेविका के रूप में आपके बीच में रहूंगी और मैं पहले भी वही थी और आज भी हूँ। आप ये मत समझना भी आप तो वैसे तो मेरे को सारे प्रदेश की जिम्मेवारी मिली है, हरियाणा प्रदेश की और सारे डिस्ट्रिक्ट कैथल की भी है, फिर भी कलायत हल्का मेरा परिवार है, मैं कलायत हल्के के सुख में दुख में हमेशा खड़ी रहूंगी। अगर किसी कारण मैं आपके बीच में ना आ पाऊँ तो मैं आपसे फोन पर भी बताऊंगी और उस पर आप महसूस मत करना भी मैडम तो मंत्री बन गई हमारे बीच में कैस भी मैं नहीं आओगी, तो मैं बिल्कुल आपके बीच में रहूंगी, आप सबका दुख सुख की साथी रहूंगी। तो मैं दोबारा से आप सभी का धन्यवाद नीति की है आपके बीच में रहे हैं और जो उन्होंने रास्ता बनाया है उसी रास्ते पर चलकर आपके बीच में ऐसे ही आपके बीच में काम करती रहूंगी और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने डांडा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है तो मैं इसका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं इस मांग पत्र को स्वीकार करती हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ जितना भी काम अधूरा है उसको पूरा करने का काम करेंगे, जितनी चौपाले हैं बीच में पड़ी हैं उसको भी कराने का काम करेंगे। कमलेश डांडा जी मंच पर उपस्थित गांव के सरपंच प्रतिनिधि और गांव के बहुत ही मौजूद सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहां उपस्थित मेरी माताएं बहनें मेरी उम्र के मेरे नौजवान भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी का हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार और धन्यवाद करता हूं कि आप जहां आज यहां इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर मेरी माता जी के इस धन्यवादी दौरे के लिए आप इकट्ठे हुए हैं। उससे पहले मैं आपका धन्यवाद इस बात के लिए करता हूँ कि जब 21 तारीख को यानी 21 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव के लिए मतदान करने जब अपने घर से आप निकले तो आप सभी ने जहां भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखा, मेरी आदरणीय माता श्रीमती कमलेश डांडा जी के संघर्ष और उनकी साफ छवि को ध्यान में रखा, वहीं मेरे स्वर्गीय पिता पूजनीय चौधरी नरसिंह डांडा जी जिन्होंने सच्चाई ईमानदारी सादगी नरमी से अपना पूरा जीवन समाज सेवा में बिताने का काम किया, उनके संघर्षों को याद रखते हुए मेरी माता जी को कलायत विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आपने भेजने का जो काम किया, वही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कलायत हलके को पहली बार इस सरकार के अंदर मंत्री पद से नवाजने का काम किया। मंत्री पद अकेली मेरी माता श्रीमती कमलेश डांडा जी को न मिलकर गांव नड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है, तो उस बात के लिए भी मैं जहां आपका धन्यवाद करता हूं वही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद करता हूं, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सभी पर हम सभी पर विश्वास जताने का काम किया। बुजुर्गों नौजवान ढाणा का दौड़ता है, मेरे स्वर्गीय पिता पूजनीय चौधरी नरसिंह ढाणा जी जो हरियाणा विधानसभा में 2 बार विधायक चुनकर गए, आप सभी के साथ सहयोग समर्थन से आप सभी के आशीर्वाद से प्यार प्रेम से आप सभी के हाथ में हाथ डालकर कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें चलने का काम किया, आपने 2 बार उनको विधायक जहां बनाने का काम किया
हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, ठीक 28 साल बाद यानी 14 साल के दो वनवास काटने के बाद मेरे आदरणीय माता श्रीमती कमलेश डांडा जी को आपने फिर से विधायक बनाकर हरियाणा सरकार में मंत्री बनाने का काम किया है, तो बार बार आपके चरणों में अपना शीश रखता हूं। जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, कुछ होते हैं आप जैसे भी जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। आपने कलायत विधानसभा क्षेत्र के इतिहास को थोड़ा सा साइड में तुमने बदल बुलाया।